नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे फोरमैन से रिलेटेड। मैंने पहले भी एक दो कंट्रियों के फोरमैन से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, तो बहुत सारी कंट्रियों के अपन ये वीडियो भी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आती हैं। क्योंकि फोरमैन भी एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है, विदेश में जॉब करने के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड फोरमैन की जरूरत पड़ती है। अब फोरमैन साथियों किस क्या होता है, तो फोरमैन का मतलब ये होता है भैया 20-30-50-100 लड़कों के या आदमियों के ऊपर में जो उनको गाइड करता है, पूरा सिस्टम मैनेज करता है, उसी को फोरमैन आप बोल सकते हो। तो चलिए अपन आज बैरिन से रिलेटेड बात करेंगे, फोरमैन से रिलेटेड। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें, और बेल आइकन का जो साथ में बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नई नई जानकारी सही तरीके से सही टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों, बैरिन फोरमैन जॉब से रिलेटेड आज अपन बात करने जा रहे हैं। ये फोरमैन शॉर्टली तरीके से बात करेंगे, फोरमैन होता क्या और कैसे होता है। तो साथियों, फोरमैन की परिभाषा मैंने बता दी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें फोरमैन एक इजी सा है कि 50-60 लोग जो कंपनी एक साइड अपन अलग से एक प्रोजेक्ट डेवलप करती है, उस पर एक अनुभवीशील आदमी जो 10-15 साल उसी फील्ड में उसको नॉलेज है, वो काफी टाइम से उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो कंपनी उसको फिर फोरमैन बना देती है, या फोरमैन डायरेक्टली भी इसमें जा सकते हो। फोरमैन अनुभव के आधार पर बनता है, डॉक्यूमेंटली के आधार पर फोरमैन नहीं बन सकता, विदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस फोरमैन का मतलब ये होता है सिस्टम को मैनेज करना होता है, उसी को फोरमैन बोलते हैं। उसका काम क्या होता है साथियों, काम बता दिया, सिस्टम के साथ ही होता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करना, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पूरे को उसको वो अंडर में होता है, जितने भी लड़के वहाँ पे जॉब करते हैं वो उसके अंडर में होते हैं, उसको जॉब लगवाना, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, किसको किधर सेटिंग करना है, उसकी सैलरी वगैरह, रहना खाना वगैरह, वो पूरा सिस्टम फोरमैन को, काम से रिलेटेड जो काम होता है वो फोरमैन को करना होता है। योग्यता की बात करें साथियों, तो योग्यता कौन इसमें फोरमैन ही के जॉब में कौन जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से डायरेक्ट बंदा तो फोरमैन बन के जा नहीं सकता। फोरमैन वही बनता है, मान लीजिए एक मेसन आदमी, कारीगर आदमी वहां काफी टाइम से काम कर रहा है, अनुभव के आधार पर उसको कंपनी प्रमोशन दे देती है, फोरमैन ही का जॉब उसको मिल जाता है, और फिर इसकी सैलरी, रहना खाना सब अलग से होता है, सैलरी भी उसमें अच्छी मिल जाती है, लेबर कैटेगरी से 2-3 गुना ज्यादा इसमें सैलरी मिल जाती है, बस यही है नॉर्मल सी योग्यता। वो ज्यादा अनपढ़ लोग भी इसमें फोरमैन का जॉब करते हैं, जिसके पासपोर्ट में अंगूठे का निशान है वो भी फोरमैन है, MBA पढ़ा हुआ फोरमैन नहीं बन सकता, अंगूठा बन सकता है, वो अनुभव पे डिपेंड करता है, पढ़े लिखे की इसमें इम्पोर्टेंस नहीं। सुविधाएं की बात करें तो साथियों, रहना प्लस खाना, मेडिकल, टिकट और वीजा, ये कंपनी की तरफ से अवेलेबल होता है, रहना खाना, मेडिकल इंश्योरेंस, जब बंदे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, टिकट वीजा वगैरह मिल जाता है, ठीक है साथियों। अब वीजा कैसे मिलता है, तो भाई वीजा की बात मैं बता दूं, वीजा पहले तो नॉर्मल कैटेगरी में जाना पड़ता है, वहां बंदा काम करता है, योग्यता के आधार पे कंपनी चुन के उसको फोरमैन के जॉब में मिल जाता है, या फिर बंदा मान लीजिए वहां फोरमैन के जॉब में पहले से काम कर रहा है, कंपनी के सर्टिफिकेट है उसके पास, फिर इंडिया में कहीं पर भी इंटरव्यू चल रहा है वहां पे वो दोबारा इंटरव्यू देके सिलेक्शन हो गया, इस जॉब में जा सकता है, इस तरह से वीजा मिल सकता है, डायरेक्टली ये वीजा नहीं मिलता। सैलरी की बात करें तो सर जो दिनार में सैलरी, बैरिन में दिनार चलता है, तो एक दिनार 100 मेरे हिसाब से भाव अच्छा है दिनार का, एक दिनार का 185 इंडियन रुपीज बनता है, ठीक है। तो सैलरी फोरमैन की 250-300 दिनार फोरमैन की सैलरी बन जाती है, यानी इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट है, ठीक है, तो अच्छा बन जाती है, लगभग 50-60 हजार रुपए बंदा आराम से इसमें जॉब में कमा सकता है। तो साथ ही ये फोरमैन से रिलेटेड जो वीडियो था, जो भाई फोरमैन से रिलेटेड जाना चाहता है या जॉब में है, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।